खास करके ये स्विफ्ट के माध्यम से, स्विफ्ट एक मशीन होता है, ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, इसको छोटा शब्द में बोला जाता है स्विफ्ट। इसके माध्यम से ये मैसेज भेजा जाता है दूसरे बैंकों को, ताकि वहाँ से वो उसके आधार पर जिन्होंने ये बायर्स क्रेडिट लिया हुआ है या सामान सप्लाई किया हुआ है वो उसको डिस्काउंट करके इस पेमेंट को ले ले। तो इस तरह से ये स्विफ्ट जो है ना, मैसेज जो डाला गया, ये उनके कंप्यूटर सिस्टम यानी उनको CBS सिस्टम के अंदर से ना डाल के डायरेक्ट डाला गया, मतलब उनके CBS को टच ना करते हुए ऊपर ही ऊपर ये जारी कर दिया गया, जिसके कारण और उसके एड्रेस में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखा गया। सिक्योरिटी नहीं रखने का कारण जब ये मैच्योर हुआ तब उसका भुगतान नहीं हुआ, इस तरह से घोटाला उजागर हुआ। ठीक है, जहाँ तक जानकारी निकल कर सामने आ रही थी इसमें कि पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट दे रहा था, उस क्रेडिट के आधार पर विदेशों में भी अन्य बैंकों से पैसा ले सकते थे। एक तरीके से समझे कि कोई एक इंसान अगर विदेश में पैसा लेना चाहता है विदेश के बैंक से, तो पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट के आधार पर वो ले सकता था वहां पे, और ये क्रेडिट MOU साइन करके दिया था पंजाब नेशनल बैंक ने, जिसकी वजह से वहां पर पैसे ले रहे थे। कितनी किस हद तक सच्चाई है इन बातों में? अभी तक तो जानकारी जो सामने निकल के आया है उसमें करीबन 11,400 करोड़ रुपए का कई सारे MOU जारी किया गया जी जी। और जिसने जारी किया है वो रिटायर हो चुका है, उसके बाद जब मैच्योरिटी का सामने आया दोबारा जारी करने का मामला आया, तो जो नया अधिकारी है उन्होंने इसके अगेंस्ट में जारी करने के लिए मार्जिन एवं सिक्योरिटी की मांग की है, जो प्रोवाइड नहीं किया गया, इसके वजह से ये घोटाला सामने आ गया। ठीक है, एक और आखिरी सवाल, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास भी चलूंगी। इससे घोटाला समझे, जालसाजी समझे, या यूं समझे कि पंजाब नेशनल बैंक खुद ठगा गया अपने ही एम्प्लॉई के द्वारा? सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया था, उसमें कहा गया था कि इस घोटाले का खुलासा हमने ही किया है, हमने ही आकर सामने बढ़कर इस बात को बताया है, इसलिए हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर सवाल उठाया जाए तो इसे कैसे समझे? इसे समझे कि जालसाजी था, घोटाला था, या छला गया खुद पंजाब नेशनल बैंक? ये जो इनके एम्प्लॉय था, ये एम्प्लॉय जो मैसेज भेजता था, ये लोगों का मैसेज सूट के माध्यम से, ये कंप्यूटर में एंट्री नहीं करता था, इसीलिए जानकारी शायद उनको नहीं मिला। और ये जो रिकल्सिट्रेंट एम्प्लॉय है जी, जो ये थोड़ा ये जो एम्प्लॉय है इसके वजह से ये चीज हुआ है, और ये एक तरह से ऑडिट फेल्योर भी कहा जा सकता है कि इतने सारे LOU जारी हुआ है और उसको जानकारी, इतने ऑडिट हुआ है, 7 साल से घटना चल रही थी, ऑडिट में भी ये चीज पकड़ में नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है। आपको एक बात की हम याद करा दें कि सत्यम में भी जो आना, सत्यम घोटाला जब सामने आया था तो भी वो ऑडिट फेल्योर के कारण ही हुआ था। सिमिलरली इतना बड़ा घटना एक ऑडिट फेल्योर के वजह से ये चीज आया, अदरवाइज ये तो पहले पकड़ा जाना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आपके पास फिर आऊंगी, हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, उनके पास भी चलते हैं। आपके पास आते हुए D.K. शर्मा जी, इसको कैसे देखें कि इससे बैंक को कितना नुकसान है, बैंक के शाख को कितना नुकसान है, और साथ में ये भी समझना चाहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट का कितना, मतलब क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या योगदान हो सकता है, सरकार का क्या योगदान है इसमें? ये तो पंजाब नेशनल बैंक अगर एक बात की जाए, अगर संस्थान की बात की जाए, तो बैंक के अंदर ही यह समस्या हुई, इसमें गवर्नमेंट का, जैसे UPA NDA को लोग दोष दे रहा है कि NDA के समय में ये हुआ, UPA के समय में ये हुआ, दोनों अपने अपने पल्ले को झाड़ रहे हैं, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के योगदान को आपसे समझना चाहेंगे D.K. शर्मा जी। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक एक रेपुटेड बैंक है और वहाँ पे जो इम्प्लॉय है, और सही बात साहब ने बताया हमारे सामने कि एक सिस्टम जो है, व्यवस्था की बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और ऑडिट फेल्योर बहुत बड़ा इसमें कहना चाहिए सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि आपके घोटाले जो है वो 1,000 करोड़ में पता नहीं चला, 500 करोड़ में पता नहीं चला, जब 11,000 करोड़ में वो आंकड़ा पहुंचा तब पता चला इससे, तो सिस्टम जो है बहुत ही जबरदस्त, इसमें मतलब कहना चाहिए फेलियर माना जाएगा, ऑडिट फेलियर माना जाएगा।
और जहां तक सरकार की आप बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो देखिए गवर्नमेंट जब आती है, जिसकी भी सरकार बनती है, जो भी घोटाले होंगे तो क्वेश्चन मार्क तो उसी के ऊपर बनेंगे। जिस तरह से कोई भी हमारी लड़ाई होती है, अगर चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ होता है, अगर वहां पे सेना के जवान शहीद होते हैं तो कमांडर के ऊपर दोषारोपण किया जाता है, तो यहाँ भी वही है। तो बेहतर ये है कि हम सरकार को दोष नहीं देके वहां के सिस्टम व्यवस्था को सुधारें। जो एम्प्लॉइज है उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही है। ये पूरी तरह से मैं कहना चाहूंगा एक्सपर्ट के तौर पर कि एक कहना चाहिए कि सिस्टम बहुत बड़ा इसमें दोष है, सिस्टम का ऑडिट फेलियर है बिल्कुल। तो मेरा ये व्यू है इसमें कि सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल, छोटे छोटे लोन्स होते हैं, छोटे छोटे लोन के लिए अगर बात की जाए, लाख, दो लाख, पांच लाख, ऐसे लोन जब डिफॉल्टर हो जाते हैं तब समस्या हो जाती है। बैंक का कोई इम्प्लॉय छोड़ता नहीं है, अगर घर का एक किस्त ना चुकाए तो तुरंत वो अकाउंट हमारा एनपीए हो जाता है, उसके बाद से समस्याएं बढ़ जाती है। 11,000 करोड़ तक ये चला गया मुद्दा, या के यू कहे कि ये केस चला गया, लेकिन इसके बावजूद सरकार जागी नहीं। किस हद तक सरकार की मिलीभगत हो सकती है बाबूलाल शर्मा जी? देखिए, सरकार की मिलीभगत से पहले आप ये देखिए कि बैंक में एक आदमी इतना बड़ा घोटाला करने के तरफ बढ़ता है और वो उसको सफलता से कर लेता है, तो ये उसके अकेले की हिम्मत मैं नहीं मानता। निश्चित रूप से जब इसकी जांच होगी तो इसमें बहुत सारे हाथ आजू बाजू से मिलेंगे और बहुत सारे संरक्षण की बात भी आएगी, और हो सकता है वो हाथ जो है सरकार तक भी पहुंच जाए। अब उसकी जांच कितनी ईमानदारी से होती है ये महत्वपूर्ण। आप देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मुझे पता चली है कि आप जो स्केल टू के मैनेजर हैं गोकुलनाथ शेट्टी जी, उनको 7 साल से एक ही पद पर क्यों समझना होगा? एक ही जगह पर उनके पोस्टिंग थी। तीन साल में नियमानुसार बदल दिया जाना चाहिए। अब 7 साल तक रखा तो निश्चित रूप से ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का जो विभाग है उनका, उनकी फेलवर है और या फिर उनकी मिलीभगत है। कहीं ना कहीं जब ह्यूमन रिसोर्स साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं ऊपर के अधिकारी भी उसमें जुड़ते हैं, और कल को ये भी पता लग सकता है कि सरकार के भी कई लोग, प्रभावशाली लोग उसके पीछे रहे होंगे। आज देखिए, गरीब अगर कोई ऋण नहीं चुका पाता तो उसके साथ क्या क्या हो जाता है, और आज इतने बड़े बड़े लोग ऋण ले ले करके भाग गए और उनको भागने का मौका दिया गया, इतने आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, पूरे देश की पूंजी सब समाप्त हो रही है। यहाँ 5,000 रुपए अगर बैलेंस कम हो जाता है, 150 रुपए गरीब आदमी का या मध्यम वर्ग का काट लिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ 11,000 करोड़ रुपए चले गए और कुछ करने के लायक नहीं दिख रहे हैं। ये स्थिति दिख रही है कि क्या करें, 5,600 करोड़ रुपए जब्त किए, ऐसी बातें आ रही है, लेकिन सच्चाई इसमें क्या है वो क्या हम कह सकते हैं यहाँ बैठ के? निश्चित रूप से जो है ये पूरी फेलवर है, ये अंदर के सिस्टम की फेलवर। अभी डाली साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि कंप्यूटर में लोड नहीं करते थे, ऊपर ही ऊपर भेज देते थे, तो सिस्टम से ही नहीं करते थे। अब बगैर सिस्टम के ऐसा अगर कर रहे हैं तो कहीं अकेला क्लर्क जो है या अकेला साहब या क्या है, एक आदमी नहीं कर सकता, उसमें कई हाथ मिले होंगे तब वो होता होगा, कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। उसी तरह आप देखिए, गरीब आदमी के लिए, जी जी बोलिए, गरीब आदमी ऋण लेने जाता है तो उससे स्थायी पता मांगा जाता है, बहुत सारी बातें उससे की जाती है और उससे उसको इनकार कर दिया जाता है। इन लोगों को बड़ी आसानी से कैसे मिल जाता है, सारी चीजें सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों का हाथ भी इसके अंदर में निश्चित रूप से पाया जाएगा। बीएन ढाली जी, जो सवाल बाबूलाल शर्मा जी ने उठाई उसके साथ ही मैं आपसे एक सवाल उठाती हूँ कि एक एम्प्लॉई है, कहा जाता है जो पंजाब नेशनल बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अनुसार जो सीनियर एम्प्लॉइज है, जो मैनेजमेंट ग्रेड में जो मैनेजर्स हैं स्केल 1-2, वो 3 साल, एक कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर रह सकते हैं। ऐसे में अगर 7 साल एक एम्प्लॉई एक जगह पर है तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल उठते हैं। ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये कहते हुए कि मैं खुद ठगा गया हूँ, मैं खुद छला गया हूँ, बच नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के जरिए ये काम हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को सरल भाषा में समझाइए ताकि दर्शक समझ सके कि यह घोटाला हुआ कैसे। बीएन ढाली जी, देखिए, जब देखिए सीबीसी गाइडलाइन ये कहता है कि जो सेंसिटिव पद होते हैं, जो संवेदनशील पद होते हैं, उस पद में कोई भी व्यक्ति 3-4 साल से ज्यादा वहां पर रखना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये फॉरेक्स का जो डिपार्टमेंट होता है, फॉरेक्स का जो बिजनेस होता है,
ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है उसके चलाने के लिए। तो उनको किस ग्राउंड पे वहाँ पे 7 साल रखा गया ये तो मैनेजमेंट ही बता पाएगा, पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजमेंट भी इस चीज को बता सकता है। लेकिन हाँ, हर मैनेजमेंट को यह ध्यान रखना है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी संवेदनशील पद में कोई भी व्यक्ति 3 साल या उससे अधिक ज्यादा ना रहे और उसको हम पदस्थापना नए जगह पे स्थानांतरण करते हैं। और एक जो आपने बात पूछा कि ये फॉरेक्स का बिजनेस, इसमें क्या होता है कि जब विदेश से कोई माल इंपोर्ट होता है जी। तो इंपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जनरली 90 डेज के लिए होता है, 180 डेज के लिए होता है, मैक्सिमम 180 डेज के लिए होता है। तो जब वो इंपोर्ट होती है तो इंपोर्ट बिल के आधार पर उसको LOU जारी किया जाता है, और जिससे क्या होता है वो विदेशों का बैंक में जब LOU पहुँचता है तो उस LOU का भुगतान उस इम्पोर्टर को कर दिया जाता है। और जब 90 डेज का बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तब यहाँ का जो इम्पोर्टर है उसका भुगतान उसको कर देता है, और जो LOU देने वाला बैंक है जो विदेश में रहता है उसका पेमेंट वो हो जाता है जी। इस तरह से LOU जनरली 3 महीना 6 महीना मैच्योर हो जाता है और नया इम्पोर्ट होता है, इस तरह से कारोबार बढ़ता रहता है। तो ये काम जो है ना 2011 से हीरे का इम्पोर्ट हो रहा था और इस तरह से LOU जारी हो रहा था और LOU का मैच्योरिटी हो रहा था, नया LOU जारी हो रहा था और ये कारोबार बढ़ता गया। और जब हमारा सामने ये घटना आया तब तक तो 11,400 करोड़ रुपए तक हो चुका था जी, बिल्कुल। लेकिन इसका विरुद्ध पंजाब नेशनल बैंक के पास क्या सिक्योरिटी है, क्या उनके पास कोई प्रतिभूति है, क्या कैश मार्जिन है, इसका कोई जानकारी सामने नहीं आया। D.K. शर्मा जी, मैं अब आपके पास आऊंगी और समझना चाहूंगी कि मॉनेटरी लॉस तो पंजाब नेशनल बैंक को हुआ है, जाहिर सी बात है ये कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या नुकसान पंजाब नेशनल बैंक को हुआ है इस तरीके की बात सामने आने के बाद? शाख पर भी सवाल उठते हैं, समझना चाहेंगे कि क्या इससे पब्लिक में जो इमेज कही है पंजाब नेशनल बैंक की और साथ में इसका असर शेयर मार्केट पे। D.K. शर्मा जी, देखिए निश्चित रूप से जो वहाँ के कस्टमर है उनके ऊपर जरूर इसका इफेक्ट पड़ेगा, या तो वो वहाँ से अपना अकाउंट्स को विड्रॉ कर लेंगे, और इसमें बैंक के ऊपर एक सवालिया निशान भी लग गया है क्योंकि ये पूरी वहाँ के एम्प्लॉइज लोगों की मिली भगत है या कोई बड़े लोगों का इसमें शेल्टर है, और इतनी क्लोज मॉनिटरिंग नहीं हो पाई कि आप 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ पे इसको रोक सके। ये घोटाला जब 11,000 करोड़ पे जा चुका तब आपकी नींद खुली। फिर हमारे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी ने सही कहा कि HR डिपार्टमेंट की कितनी बड़ी लापरवाही है कि एक व्यक्ति को एक पद पर 7 साल तक रखा गया और वहां पे वो 7 साल के पद पे रह के कोई अच्छा काम तो नहीं किया उन्होंने कस्टमर के लिए, घोटाले ही किए वहां पे। तो एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, वहां पे बैंक के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया, जो एक बहुत अच्छी छवि पंजाब नेशनल बैंक की मानी जाती है, और इससे वो किस तरह से उभरेंगे ये भी पता चलेगा। अगर आज पंजाब नेशनल बैंक कह रही है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बता रहे हैं कि हम ठगी के शिकार हुए और हमने ये केस CBI को सौंपा है, और इसके आज देखिए तार कहां से जुड़ रहे हैं, आज रायपुर तक ये मामला आ गया, कल परसों देखिए कहीं और दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं, क्योंकि 11,000 करोड़ का मामला एक स्टेट से नहीं हो सकता और एक व्यक्ति विशेष से नहीं हो सकता है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे जिसमें उन लोगों को शेल्टर दिया गया होगा बड़े लोगों। निश्चित रूप से पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर के साथ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उसको हटाने में इनको बहुत समय लगेगा, चाहे वो उनका HRD डिपार्टमेंट हो, चाहे उनका टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो IT डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट हो, इतने सारे सॉफ्टवेयर डेवलप है और उसके बाद भी ये चीजें पकड़ में नहीं आई तो निश्चित रूप से ये ऑडिट का फेल्यूर माना जाएगा, या तो ये डेलिबरेटली इसको इन्होंने इग्नोर किया होगा, अनदेखा किया होगा, और बिना अंदाजा किए हुए चीजें इस तरह से इतना 11,000 करोड़ तक नहीं। लापरवाही तो है, कम से कम इतनी बड़ी बात तो है कि बड़ी लापरवाही है। बाबूलाल शर्मा जी, आप एक पत्रकार हैं और एक पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार का आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, उसका 2 लाइन मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि लोन लिया कुछ UPA के राज में और कुछ मोदी जी के राज में, कुछ लोन वापस करते रहे UPA के राज में और फिर लौटाना बंद कर दिया मोदी जी के राज में, और जब ये मामला खुला तो वो भाग गए, और भागे भी क्या, तो PM मोदी के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आए। कुल मिलाकर
समझना ये चाहेंगे, आप एक पत्रकार हैं, कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इतना बड़ा घोटाला, सीधे सीधे मैं सरकार पे आ रही हूँ, सिस्टम पे नहीं, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इतना बड़ा घोटाला क्या संभव है हमारे देश में? बाबूलाल शर्मा जी, देखिए इसका जवाब बहुत बड़ा है, लेकिन उतना अगर समय नहीं है अपने पास में, एक मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि राजनीति जिस तरीके से आज चल रही है देश में, उसमें पैसों की सबसे बड़ी जरूरत है, चुनाव हो चाहे कहीं भी हो, एक एक व्यक्ति ऐसा पूंजीपति सरकार के साथ जरूर मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और कुछ लोग जो है वो स्पष्ट दिखते हैं कि ये पूंजीपति लोगों के साथ है, साफ साफ दिखाई देता है, कोई जुड़ाव नहीं, उनकी चलती भी इतनी जबरदस्त है, तो कुल मिलाकर जो है सरकारें जो बन रही हैं, वो जो आरोप लगते हैं कि पूंजीपतियों के इशारे पर और पूंजीपतियों के सहयोग से बनती है, इसमें कोई गुरेज नहीं कि ऐसा कहा जा सकता है, इस तरीके का प्रदर्शन दिख रहा है, चाहे बैंक हो चाहे अन्य संस्थाएं हो, कहीं भी जो है इस तरह के घोटाले हो सकते हैं। मैं एक ये पंजाब बैंक का मामला सामने आ गया, बहुत गहराई में घुसेंगे तो पहचान के आधार पर बहुत सारे काम होते हैं बैंकों में, मैं अगर लोकल स्तर पे देखूं, पहचान के आधार पर कई प्रकार की ऐसी बातें देखी हैं हमने अपने आप से, तो वो समझ में आता है कि पहचान हो तो बहुत कुछ हो सकता है, और जहां अगर आपको पॉलिटिकल सपोर्ट है तो बहुत कुछ हो सकता है, तो मैं इसको इनकार नहीं करूंगा कि इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं जो है आशीर्वाद किसी एक व्यक्ति का हो, सरकार के किसी एक व्यक्ति का, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति का भी सपोर्ट मिलेगा तो वो सरकार के ऊपर आंच आएगी ही आएगी, चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार रही तब भी किसी ने किसी एक पूंजीपति का नाम किसी का नहीं लेना चाहता, आंच आती थी, और अभी भारतीय जनता पार्टी तो आप लोग भी जानते हैं हम लोग भी जानते हैं कि किन किन पूंजीपतियों का नाम मोदी जी के साथ जुड़ता है, तो सरकार कोई भी हो पूंजीपतियों का वर्चस्व जो है वो सामने आता है, और इस तरह के घोटाले अभी कितने, चार पांच, विजय माल्या जी का आता पता नहीं, जतिन मेहता वाला मामला देखिए, भूषण स्टील को पैसा दिया गया था, और भी बहुत सारे घोटाले घपले जो हुए, किस चीज का खुलासा हुआ, किस चीज का पैसा वसूली हो गई, और कौन लोग यहाँ मौजूद है, सब भाग गए, तो ये स्थितियां जो है और मजबूर दिखती है सरकार, तो ये बड़े असमंजस की बात है, यहीं पर आकर के जनता सोचती है, जनता को ऐसा संदेश मिलता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इसमें सपोर्ट है। बिल्कुल बी.एन. झाली जी, फाइनल कमेंट होगा शायद आपकी तरफ से, और मेरा आखिरी सवाल, लेकिन जवाब बहुत वैसा ही चाहूंगी, मैंने ये सवाल वैसे डी.के. शर्मा जी से भी लिया था, लेकिन बतौर बैंकर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मॉनेटरी लॉस तो पंजाब नेशनल बैंक का हुआ ही, शेयर में लॉस और साथ में जनता के बीच ट्रस्ट, इसमें कितना लॉस हुआ होगा, और क्या कुछ पंजाब नेशनल बैंक को करना होगा जिससे वो इस इमेज से बाहर निकल सके? पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में दूसरे सबसे बड़े बैंक है, इसके साथ केवल देश में नहीं विदेशों में भी है, और इसके जो रिजर्व्स हैं, इसके जो डिपॉजिट्स हैं, इसके जो एडवांसेस लेवल है वो काफी अधिक है, और उनके लिए ये 11,400 करोड़ का शॉक एब्जॉर्ब कर देना संभव है, और वो कर भी ले, उनके सिस्टम सीबीएस सिस्टम है जो फिनाकिल में है, काफ़ी अच्छा इन्फोसिस द्वारा दिया गया है, वो सिस्टम भी काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो और जनरल पब्लिक का इसमें मेरा ख्याल से अपना कॉन्फिडेंस विश्वास पंजाब नेशनल बैंक से खोने का कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बैंक है, वो इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हाँ ये जरूर है कि इससे सभी बैंकों को, केवल पंजाब नेशनल बैंक नहीं, सभी बैंकों को एक बड़ा सीख लेना है कि हाँ सिस्टम एंड प्रोसीजर को सही तरीके से अडॉप्ट करें, इस प्रकार के जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को हम समय से पालन करें, सेंसिटिव पोजीशन में एक ही आदमी को मोर देन 3 इयर्स न रखें, ऑडिट सिस्टम को और थोड़ा दुरुस्त करें, ऑडिट सिस्टम को और थोड़ा दुरुस्त करें, इस तरह से जो है ना, देखिए बैंक की व्यवस्था जो है ना किसी देश के लिए रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो इसको जो है ना और दुरुस्त करना और चुस्त करना ये सबके लिए आवश्यक है, सभी सरकार के लिए भी आवश्यक है जी, जी। और ग्रेजुअली इन्होंने जिस प्रकार से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सुपरविजन है, सेबी का सुपरविजन है, ये भी इसमें कोई ना कोई कदम अवश्य उठाएगी कि आगे चल के हमारे बेहतर व्यवस्था के रूप में इसको देख पाएंगे, तो हमें अपना विश्वास को खोना नहीं चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और इतनी अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और दर्शकों को भी इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक पर जो आरोप लग रहे हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, वैसा कहना था जो जीएम थे ग्रामीण बैंक का कि इतना कहीं ना कहीं तौर पर कहीं ना कहीं ये ऑडिट की कमी की वजह से इतना बड़ा घोटाला हो गया। ये घोटाला पहले भी पकड़ा जा सकता था लेकिन ऑडिट में कमी रही जिसकी वजह से यह घोटाला बढ़ता चला गया। इस विशेष बुलेटिन में इतना।